एक खूबसूरत महिला थी और वह महिला एक करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर के मंदिर में आती है और मंदिर में आकर के अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब आप जाइए और पुजारी से कहिए कि हमें इस गाड़ी की पूजा करवानी है। तो ड्राइवर है वह जाता है और जाकर के उस पुजारी से कहता है कि पुजारी जी हमें गाड़ी की पूजा करवानी है। तो पुजारी जी पूजा का सामान लेकर के आते हैं और गाड़ी की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद पुजारी जी महिला से कहते हैं कि आपकी गाड़ी की पूजा हो चुकी है तो कोई दान दक्षिणा जो देनी है वो दे दीजिए। अब महिला है उस पुजारी को दान दक्षिणा वगैरह दे देती है और वहां पर जितने भी भिखारी बैठे हुए थे उनके लिए वह महिला उस गाड़ी में कंबल और मिठाई के डिब्बे लेकर के आती है। तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब अंदर गाड़ी के अंदर से जो कंबल और मिठाई के डब्बे हम लेकर के आए हैं वह निकालिए और सबको बारी बारी से देना है क्योंकि वह महिला साल का जो पहला दिन होता है उस दिन वह हर एक साल उस मंदिर में जाती है और उस मंदिर में जाकर के जितने भी भिखारी वहां रहते हैं सबको कंबल और मिठाई का डब्बा हर साल देती है वह। तो वह महिला उस साल भी गई थी और उस साल तो वह एक महंगी गाड़ी लेकर के गई थी तो गाड़ी की पूजा करवाती है और उसके बाद में सबको बारी बारी से एक कंबल और एक मिठाई का डिब्बा देती है। तो महिला है वह धीरे धीरे सबको देते देते जाती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है और उसके बाद जब एक आखिर में एक भिखारी बैठा हुआ था जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल है वह भी बड़े हुए थे और वह एकदम दुबला पतला था, ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से नहाया भी नहीं था। और उस भिखारी को देख करके महिला के कदम रुक जाते हैं क्योंकि महिला उस भिखारी को पहचान जाती है और वह भिखारी कोई और नहीं था, उस महिला का तलाकशुदा पति था जो दो साल पहले यानी कि 5 साल पहले उस महिला का और उस पति उस जो पुरुष था जो भिखारी बैठा हुआ था उसका दोनों का तलाक हो चुका था, इसलिए वह महिला का तलाकशुदा पति था। तो महिला उसी व्यक्ति को पहचान जाती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अब महिला सोचने लग जाती है कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि यह भीख मांगने पर मजबूर हो गया है क्योंकि इसका तो ऐसा खासा परिवार था, इसकी अच्छी खासी नौकरी थी और फिर इसके सामने ऐसी क्या समस्या आ गई कि यह भीख मांगने पर मजबूर हो गया। दरअसल दोस्तों वह भीख मांगने पर मजबूर क्यों हुआ और वह महिला उस इतनी बड़ी जो करोड़पति थी वह कैसे बनी, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मेरा हौसला वह बढ़ता रहे और मैं आपके सामने ऐसे ही नई नई कहानियां है वह सुनाता रहूं। दरअसल दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की ये कहानी है जहां एक परिवार रहता है और उसमें एक माता पिता और उसके दो बच्चे रहते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम है वह पूजा रहता है जबकि लड़के का नाम दिव्यांश रहता है। दोनों ही बच्चों को माता पिता है वह पढ़ाते हैं और खेती बाड़ी कर करके दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन लड़की है उसका पढ़ाई में मन कम लगता है क्योंकि वह पढ़ाई में कमजोर रहती है, इसलिए वह बहुत ही कम पढ़ती है। तो वह 10वीं क्लास तक पढ़ती है और उसके बाद में अपनी माता से कह देती है, अपनी माँ से कहती है कि मेरे अभी पढ़ने में दिमाग नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ने में मन नहीं करता है, इसलिए मैं अब पढ़ना नहीं चाहती हूँ आगे। तो उसके जो पिताजी थे वो कहते हैं कि बेटा कैसे भी करके आगे पढ़ लो, आगे पढ़ लिख करके कुछ बनोगे, क्योंकि उसके पिता का एक सपना था कि उसके दोनों बच्चे हैं वे कामयाब हो और ऐसे मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े, इसलिए वो दोनों को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन लड़की थी जो पूजा, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि वह पढ़ाई में बिल्कुल भी कमजोर थी, इसलिए वह कहती है कि पिताजी मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा अब आगे, मेरा मन नहीं करता है पढ़ाई में, इसलिए अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, आप जिद ना कीजिए यानी मुझ पर कोई प्रेशर ना दीजिए यानी मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना कीजिए। तो ऐसा कहती है, वह अपनी माँ से भी कहती है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसकी माँ है उसके पापा से कहती है कि क्यों बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, जब इसका मन ही नहीं है पढ़ने में तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इसे जानबूझ करके पढ़ाने की जिद कर रहे हो।
तो उसके पापा है वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब आपका मन नहीं है पढ़ने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पर रह करके घर का कामकाज कर लीजिए, और कुछ ही अगर टाइम मिले तो अपना खेती बाड़ी में काम है उसमें हाथ बटा दीजिए। ऐसी बात वह उसके पापा कहते हैं। लेकिन उसका जो बेटा था दिव्यांश, वह पढ़ाई में बड़ा ही इंटेलिजेंट था, यानी पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था, और वह पढ़ता है आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, लड़की की उम्र है वह बढ़ती जाती है, तो उसके माता पिता है उनको उनकी शादी की चिंता है वह लग जाती है, क्योंकि जब बच्ची बड़ी होती है तो उसकी शादी की चिंता लग जाती है। अब उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लग जाते हैं, और जब से अगर लड़की ने पढ़ाई छोड़ी थी तो उसके पिता का दिल जरूर दुखा था कि उसकी बेटी है वह पढ़ नहीं रही है, तो उसका ऐसा सपना था कि दोनों बच्चे कामयाब हो। लेकिन जब बच्ची का पढ़ाई में मन नहीं था तो उसके पिता का दिल जरूर दुखता है, लेकिन वह फिर भी सोचता है कि चलो ठीक है, इसकी जो भी पढ़ाई थी यानी कि शादी की पढ़ाई है वह तो हो गई, क्योंकि 10वीं पास उसने कर ली थी, और 10वीं पास करने के बाद शादी आराम से हो जाएगी, ऐसा सोच करके वह उसको कह देते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना है तो। और उसके बाद में उसकी शादी की परवाह लग जाती है, अब उसे एक अच्छा लड़का देख करके उसकी शादी करना चाहते हैं, तो पड़ोस के गांव में ही एक लड़का मिल जाता है, और वो सब लोग वहां देखने के लिए आते हैं। शादी है वह फिक्स हो जाती है, और शादी फिक्स होने के बाद में दोनों की शादी कर दी जाती है। लड़का है वह पुलिस में नौकरी करता है, और जिसका नाम था महेंद्र सिंह, यानी महेंद्र सिंह है वह पुलिस में जॉब करता है, जिसकी अलीगढ़ पोस्टिंग होती है, वह ड्यूटी जाता है, और यानी कि पढ़ा लिखा इंसान था, नौकरी करता है हेड कॉन्स्टेबल, यानी कि पुलिस की नौकरी करता है यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी नौकरी लगी हुई थी। अब लड़का अच्छा था, लेकिन जैसे ही लड़की उसके घर जाती है शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल में जैसे जैसे दिन बीतते हैं, तो दिन बीतते जैसे जैसे आगे चलता रहता है, समय गुजरता जाता है, और उसके बाद में लड़की के सामने लड़के की हर एक हरकतें सामने आने लग जाती है, क्योंकि लड़का है वह एक अय्यास किस्म का लड़का था, और वह दो नंबर के जो काम होते हैं उनमें पैसे कमाने में ज्यादा व्यस्त रहता है। लड़की उसे मना करती है कि आप ये दो नंबर का पैसा मत लीजिए, क्योंकि यह पैसा है घर में कभी नहीं टिकेगा, किसी न किसी कारण से ये चला जाएगा घर से, और हमारे नुकसान ही होगा, कभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हराम का पैसा है वह कभी बरकत नहीं करता है, और ऐसा ही वह लड़की बोलती है, लेकिन वह एक नहीं सुनता है और उसके साथ मारपीट तक कर देता है, शराब पीता है, यानी कि वह नशे में धुत रहता है, और अय्यास किस्म का लड़का रहता है वह। उसका जो अवैध संबंध रहते हैं वो काफी लड़कियों के साथ रहते हैं, और ऐसा दिन प्रतिदिन जैसे ही जैसे दिन निकलते हैं तो लड़की को आगे से आगे एक एक बातें हैं वो सामने आ जाती है। अब लड़की सोचने लग जाती है कि यह तो बहुत ही गलत हो रहा है, कैसे भी करके मैं इसको इस रास्ते से हटाऊं, लेकिन लड़का है वह बिल्कुल भी नहीं मानता उसकी, और उसे जब भी वो बोलती है तो उसे थप्पड़ मारता है, उसके साथ मारपीट करता है। अब लड़की है काफी दिन गुजर जाते हैं, उसके सास ससुर भी उसे कहते हैं कि बेटा कैसे भी करके इसे समझाओ, ये काम है वह अच्छे नहीं है, क्योंकि दो नंबर का जो पैसा आता है उसके कभी भी घर में बरकत नहीं होती है, यानी घर में कभी भी सुख शांति नहीं होगी, तो कैसे भी करके इसे मनाओ और इसे कहो कि ऐसा काम ना करे, लेकिन वो एक नहीं सुनता है। वह जब लड़की पूजा है वह उसे कहती है कि महेंद्र आप ऐसा ना करो, लेकिन वह नहीं मानता है और पूजा के साथ मारपीट भी करता है, तो पूजा के सास ससुर है वह भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आखिरकार पूजा है वह इसी नतीजे पर पहुंच जाती है कि एक दिन उसके साथ ऐसा झगड़ा हो जाता है, ऐसी मारपीट हो जाती है, उसके बाद वह अपने गांव चली जाती है, और गांव जाकर के अपने पिताजी से कहती है कि पापा अब पिताजी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह तो एक अय्यास किस्म का लड़का है, शराब पीता है, नशे में मारपीट करता है और दो नंबर के काम करता है, इसलिए मैं वह उस घर में नहीं जाऊंगी। अब उसके पिताजी थे वह उसे कहते हैं कि ठीक है बेटा नहीं जाना तो मत जाइए, और उसका तलाक हो जाता है। दोनों का तलाक होने के बाद लड़की है वह एक टैलेंटेड लड़की थी, यानी एक गाने के अंदर यानी कि म्यूजिक कहते हैं ना कि एक सिंगर थी वह, गाना गाना आता था, तो वह उसके पिताजी है वह सोचते हैं कि अगर लड़की पर ध्यान दिया जाए तो लड़की है आगे चल करके कुछ बन सकती है, तो उसके पापा है उसे एक एकेडमी में ज्वाइन करवा देते हैं,
और वहां पर वह गाना गाने लग जाती है, यानी एक बड़ी सिंगर बन जाती है। धीरे धीरे वह प्रैक्टिस करती है और प्रैक्टिस करते करते एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। और सिंगर बनने के बाद पता है आपको कि दोस्तों कितने पैसे हैं सिंगर, यानी कि एक गाना गाने वाला सिंगर जब बन जाता है तो बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं। अब लड़की है वह काफी ज्यादा पैसे कमाने लग जाती है। उसके बाद वह अपने पापा के घर अच्छा बंगला बना लेती है, अच्छी गाड़ियां ले लेती है और अच्छी अच्छी गाड़ियों का शौक रखती है। तो वह महंगी महंगी गाड़ियां खरीद करके अपने पास रखती है और काफी अच्छे शौक है वह अपने पूरे करती है। अब लड़की है वह एक मंदिर में जाती है, एक गाड़ी लेती है नई साल के ऊपर, और नई साल के ऊपर गाड़ी लेने के बाद वह मंदिर में उसकी पूजा अर्चना करवाने के लिए जाती है, क्योंकि उस मंदिर में वह हर साल साल का पहला दिन था होता है तो उस मंदिर में वह हर साल जाती है। इसलिए उस समय वह महंगी गाड़ी लेकर के जाती है और गाड़ी लेकर के जाकर के पंडित जी से उसकी पूजा करवाने के लिए कहती है। तो उसके अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब जाइए और पंडित जी से कहिए कि हमें गाड़ी की पूजा अर्चना करवानी है। तो ड्राइवर है वह जाता है और पंडित जी से बोलता है, तो पुजारी जी है वह गाड़ी की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद महिला से कहते हैं कि आपकी गाड़ी की पूजा अर्चना हो चुकी है, जो भी दान दक्षिणा देनी है वो दे दीजिए। महिला है वह उसे दान दक्षिणा दे देती है और उसके बाद पंडित जी है वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जितने भी भिखारी उस मंदिर के बाहर लाइन से बैठे हुए थे, महिला उनके लिए हर एक साल साल का पहला दिन होता है तो जनवरी का महीना होता है, काफी ठंड रहती है, इसलिए महिला उन भिखारियों के लिए कंबल और मिठाई के डिब्बे हर साल लेकर के आती है। तो उसी साल भी महिला है वह कंबल और मिठाई के डब्बे लेकर के आती है। अब उधर वह सबको देती है। तो देने के बाद में महिला है वह उस भिखारी के पास पहुंचती है जो उसका तलाकशुदा पति था। महिला उसे देखते ही महिला के कदम रुक जाते हैं और महिला सोचती है कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ। तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब इस भिखारी को गाड़ी के अंदर बैठाइए और उसे कुछ बातचीत करनी है, आप बाहर चले जाइए। अब गाड़ी में ड्राइवर उसे बैठा देता है और उसके बाद में वह उसे पूछती है कि महेंद्र आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपकी यह स्थिति हो गई। तो वह जो महेंद्र था उसी महिला का जो तलाकशुदा पति था वह कहता है कि पूजा मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैंने जो दो नंबर के काम किए थे उसमें मैं पकड़ा गया था और मेरी बहुत बड़ी जांच हुई और जांच में मुझे दोषी पाया गया तो मुझे काफी दिनों तक जेल के अंदर रखा गया। और उसके बाद में जैसे ही मैं जमानत पे छूटा तो मेरी हालत है वह बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मेरे पास ही खाने के लिए भी एक पैसा नहीं बचा और पूरा का पूरा घर है वह बर्बाद हो गया, मम्मी पापा है वह एक्सपायर हो गए, इसलिए मेरी हालत है वह बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। इसलिए मेरी यह हालत हो गई कि मुझे भीख मांगने पर मजबूर हो गया मैं, और यहाँ मैं मंदिर में के बाहर भीख मांगता हूँ और जितना मिलता है उतना खा लेता हूँ, इसलिए मेरी हालत ही यह ऐसी हो गई। तो पूजा कहती है कि महेंद्र मैंने आपसे बहुत बार बोला था कि कभी भी दो नंबर का जो पैसा होता है वह घर में कभी नहीं टिकता है और उसका अंजाम भी बुरा होता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और आज आपकी क्या कंडीशन हो गई, यानी आप भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो महेंद्र कहता है कि पूजा कैसे भी करो मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, मारपीट की, और आज आप किस लेवल पर हो और मैं कहाँ हूँ, यानी कि आपका और मेरा मेल है वह बिल्कुल भी अलग हो गया, यानी एक दिन आप भी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मेरे घर की एक लक्ष्मी थी और मैंने आपके साथ मारपीट की तो बहुत बड़ा गलत किया मैंने, और आज आप कहाँ पर हो और मैं कहाँ हूँ, यानी कि समय है वह बदल जाता है और समय बदलता देर नहीं लगती है, तो आज मेरी क्या कंडीशन। तो पूजा कहती है कि महेंद्र आप ऐसा मत सोचो, ठीक है जो भी हुआ है मैं उसके लिए आपको माफी देती हूँ, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है और इंसान ही गलतियों का पुतला है, यानी कि इंसान गलती जरूर करता है और गलतियों का पुतला है इंसान, तो गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आगे चल करके इस चीजों का ध्यान रखना। तो पूजा है वह महेंद्र को अपने साथ ले जाती है और ले जा करके उसे नहलाती दुलाती है और उसकी दाढ़ी कटिंग वगैरह बनवाती है और उसे अच्छे से तैयार करके उसे कहती है कि आप मेरी नौकरी यानी कि मेरे साथ ड्राइवर की नौकरी कर लेना, मेरे साथ ड्राइवरी कर लेता, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ इसलिए मुझे अलग अलग प्रोग्रामों में जाना पड़ता है, तो आप मेरी गाड़ी चला लेना और मेरे साथ में हमेशा रहना। तो महेंद्र कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा,
क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि मुझे कोई माफ नहीं करेगा, अगर पूजा कहीं भी मिलेगी भी तो वो मुझे कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप तो धन्य हैं और आप भी इतनी संस्कारी लड़की हो, और मैंने आपके साथ इतना बड़ा गलत किया, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ आपका। लेकिन पूजा कहती है कि नहीं महिंदर, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आज हम दोनों एक हो गए और वह पूजा है इस महेंद्र के साथ एक मंदिर में जाकर के दोबारा से शादी कर लेती है और उसे अपने साथ अपने ड्राइवर के रूप में रख लेती है, और उसके बाद दोनों एक साथ रहते हैं और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं दोनों, है बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।